अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो आप लोग? सब अच्छा है? आज मैं आपको पाइनएप्पल जूस बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि पाइनएप्पल जूस हम लोग कैफेटेरिया में कैसा बनाता है। तो आप लोग एक बार उसको देखो, अगर आपका आपके घर पे आप घर पे हो, किधर भी हो, अगर आप बनाना चाहते हो तो आप प्लीज़ आप वैसे ही देख करके आप बना सकते हैं। तो अभी हमने एक इससे पहले मैंने पाइनएप्पल को बना के दिया जूस, तो वो कस्टमर को फिर दोबारा से उनको मांग ली एक और बना के दिया जाए। तो आपको बताता हूँ कि जूस में कैसे पाइनएप्पल को जूस बनाता हूँ। तो ये हमने पाइनएप्पल का पूरा कटिंग कर लिया है, ऐसा पाइनएप्पल हुआ आपके पास, ये हमने कटिंग कर लिया है, ये कटिंग का टुकड़ा हमने डाल दिया अंदर। उसके बाद ये इसमें आप 3 स्पून शुगर डालें। तो हमने 1 स्पून डाला, इसमें आपने 3 स्पून पूरा डाल दें आप, ताकि थोड़ा स्वीट हो जाए। उसके बाद इसमें आइस डालना ज़रूरी है, तो हम आइस डालेंगे। कस्टमर को आइस कमती ही चाहिए, तो हमने आइस कमती डाला है। और थोड़ा सा इसमें मिल्क डाल दें, और क्लोज करें आप। ये बनके रेडी हो गया जूस। तो पाइनएप्पल का जूस कभी भी आप बनाएं तो ये लाजिम इसको आपको छानना ज़रूरी है। आप विदाउट छानने से करेंगे तो आपको टेस्ट का उपयोग ज़्यादा होगा, तो आप इसको पहले छान लें। तो इसमें हमने असल डाल दिया है, हनी। हनी डालने के ग्लास में आपका थोड़ा डिज़ाइनिंग आ जाएगा ग्लास में, ये हनी है इसके अंदर। उसके बाद हमने इसको निकाला है और इसके ऊपर साल डाल दें। ये अभी पाइनएप्पल बनकर रेडी है। तो ये पाइनएप्पल अभी 8 ग्राम का, ये मीडियम ग्लास हमने बनाया। तो अभी हम कस्टमर को दे देंगे, आपको दूसरा वीडियो में बताएंगे ये दूसरा जूस कैसे बनता है। और आप लाइक शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक है? आज मैं आपको बताने वाला हूँ जिंगर बर्गर। तो जिंगर बर्गर के देखिए, ये जिंगर बर्गर है। तो हमने पहले इसको फ्राई कर लिया है, तो फ्राई करके हमने निकाल लिया है। तो ये जिंगर बर्गर है। जब जिंगर आपका रेडी हो जाएगा तो ये आप मिडिल से आप कट करो। मिडिल से कट करने के बाद आपको इसमें मायनीज लगाना पड़ेगा। आपका बर्गर बन थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ये बर्गर बन है। और ये जो है, इसके बाद आपको स्लाइस रखना है, तो आप स्लाइस आराम से रख दें इसके। और ये मिडिल हमने जो कटिंग किया है इसके ऊपर डाल दें अपनी। ये हो जाने के बाद आपको केचप डालना है, तो आप केचप डालें। अब ये डालने के बाद, अच्छा इसमें आप इसमें कस्टमर को ये नहीं चाहिए, ये खुदरा, इसको बोलते हैं खुदरा खास टमाटर। तो ये कस्टमर को नहीं खाने के लिए बोला है, तो इसके लिए हम इसको नहीं डालेंगे। तो ये हम इसको लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद हम सीधा इसको मशीन पर डाल देंगे और टोस्ट कर देंगे। टोस्ट हो जाने के बाद हम इसको पैकिंग करेंगे। मैं आपको भी दिखाता हूँ, आपका गर्म हो जाएगा तो पूरी तरीके से आपस में ही लग जाएगा। खाने में भी कस्टमर को टेस्ट मिलेगा और बहुत टेस्ट मिलेगा। इसका नाम है जिंगर बर्गर, जिंगर बर्गर। ये आप इसको रखें मिडल से, आप इसे लॉक करें। जिंगर बर्गर स्पेशल होता है, इसीलिए कभी भी कस्टमर को हम लोग देते हैं तो उसको हम लोग काट कर ही देते हैं, ताकि वो कस्टमर कभी भी कहीं भी खाए तो उसे टेस्ट मिले और आराम से वो खाए। तो हमने फ्रेंच फ्राई फ्राई कर लिया था, तो फ्रेंच फ्राई भी रख दिया। इसमें थोड़ा साल्ट डाल देंगे और फिर लहसुन डाल देंगे, ब्लैक पेपर, इसमें केचप डाल देंगे। उसके बाद हम इसको लॉक कर देंगे। फिर ये रहा पूरा जिंगर बर्गर। तो ये काफ़ी वज़न है, बहुत वज़न है, इसीलिए खाने में बहुत मुश्किल हो रहा है, और कस्टमर खाएंगे तो बहुत खुश रहेगा। अच्छा, फिर हमारा लाइक भी और शेयर ज़रूर करें। देखते रहें हमारा चैनल, आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह।